हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, दिन है आज 2 मई और शाम के हो रहे हैं 6:30। एक बार फिर से आपके सामने कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ है बेसिक, लेकिन लगेगा आपको कि हाँ भाई, बात तो सही है, जो बात बताई जा रही है वो सही है और शायद ध्यान देना चाहिए इस बात पे। तो जो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने दोस्तों, वो है इंश्योरेंस का। गाड़ियों के इंश्योरेंस सबसे महंगी चीज, सबसे महंगा डॉक्यूमेंट गाड़ियों के इंश्योरेंस। ठीक है, आपको पता है कि सारे डॉक्यूमेंट में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी इंश्योरेंस ही होता है। जान माल का नुकसान जो है वो इंश्योरेंस से ही सॉल्व होता है। तो इंश्योरेंस जो है दोस्तों, आप करवाते हो, लेकिन कहीं आपका इंश्योरेंस फर्जी तो नहीं? आपने थंबनेल देखा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बात वो बिल्कुल ठीक है, कहीं आपका इंश्योरेंस फर्जी तो नहीं? अब वो फर्जी आपको तब तक नहीं पता लगेगा कि जब तक आपके साथ कोई हादसा नहीं हो जाता, भगवान ना करे ना हो किसी के साथ, लेकिन तब तक पता नहीं लग पाएगा कि वो इंश्योरेंस फर्जी है कि नकली है, क्योंकि भाई चेक नहीं कर पाते हैं। तो वही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका इंश्योरेंस जो आपने इतनी मोटी रकम खर्च करके बनवाया है, और किस लिए बनवाया? ताकि आप प्रोटेक्ट रह सको, आपकी फैमिली, आपकी गाड़ी, और अगर आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो सामने वाला बंदा भी प्रोटेक्ट रह सके उस इंश्योरेंस से, कहीं वो फर्जी तो नहीं है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में इंश्योरेंस लोग कैसे करवाते हैं, खासकर मैं अगर टैक्सी वालों की ही बात करूं भाइयों की, तो सारे के सारे उतने ज्यादा जानकार नहीं होते हैं। बहुत लोग अभी नए हैं, सीख रहे हैं, इसके अंदर टाइम लगेगा, हो जाएंगे एक्सपर्ट। क्या करते हैं दोस्तों, जब आप इंश्योरेंस करवाने की सोचते हो तो आप या तो आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, या आपके किसी यार दोस्त के थ्रू, उसके रेफरेंस से आप किसी एजेंट को पकड़ते हो, उस एजेंट से इंश्योरेंस करवाते हो। और आप क्या करते हो दोस्तों, उस इंश्योरेंस को करवाने के लिए आप उसको कैश पेमेंट करते हो, मोस्टली कैश पेमेंट करते हैं, या ऑनलाइन भी पेमेंट करते हो तो उस इंश्योरेंस एजेंट के आप खुद के अकाउंट में कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। होता क्या है, कुछ फ्रॉड सामने आए हैं हाल फिलहाल में, पिछले कई दिनों से, और चलते आ रहे हैं हिंदुस्तान में, ये फ्रॉड की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें क्या है दोस्तों कि जब आप इंश्योरेंस करवाते हो, उसमें होगा क्या कि आपने तो इंश्योरेंस एजेंट को पैसा दे दिया, वो आपको बहुत बहुत बातें बताएगा कि ये प्रॉफिट होगा आपको इंश्योरेंस में, ये फंक्शन है इसके, और ये सुविधा मिलेगी, ये चीजें कवर है आपके इंश्योरेंस में, बहुत कुछ समझाएगा आपको इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन ऑन पेपर्स क्या है वो आप नहीं जानते, क्योंकि उतनी डिटेल में नहीं समझ सकता ना यार, वो पॉलिसी के टर्म्स जो है ना, वो यार हर बंदा नहीं समझ सकता कि क्या चीज थी वो। तो फ्रॉड क्या होता है दोस्तों, वो मैं बता देता हूं। फ्रॉड इसके अंदर ये हो जाता है कई बार के इंश्योरेंस जब आप करवाते हैं तो आप उस पॉलिसी जो आप कर रहा है, जो एजेंट है आपका, आप उसको कैश दे देते हो या उसे पेटीएम कर देते हो कि मेरा इंश्योरेंस करवा दो, वो आपको रकम बता देता है कि इतना अमाउंट आपका लगना है इंश्योरेंस में, आपने वो कर दिया पॉलिसी वाले को। अब वो पॉलिसी वाला क्या करेगा, उसके अंदर बहुत बहुत गलत लोग भी हैं दोस्तों, विश्वास बिल्कुल मतलब ब्लाइंडली मत करना, थोड़ा सोच समझ के काम करना, क्योंकि क्या है, वो पॉलिसी जो एजेंट है आपका, जो इंश्योरेंस एजेंट, वो क्या करेगा, सामने कैश नहीं देगा आपसे, तो उसने कैश ले लिया, लेकिन फ्रॉड कहां आता है दोस्तों बताता हूं, वो बंदा आगे इंश्योरेंस कंपनी को कैश नहीं देगा, वो वहां एक चेक इशू करेगा, और वो चेक ऐसा बनाएगा कि कहीं ना कहीं वो चेक कंपनी बाउंस कर दे, मतलब वो रिजेक्ट होना ही होना है चेक, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि वो बाउंस हो जाए चेक और इंश्योरेंस आपका ना हो पाए। इसमें मैं कंपनियों की भी बहुत बड़ी मिस्टेक मानता हूं दोस्तों, क्योंकि कंपनियां क्या कर रही हैं, वो सिर्फ एक चेक के बेसिस पे, एक चेक के बेसिस पे वो क्या कर रही है, कवर नोट बना के दे देती हैं खाली, और वो कवर नोट ला करके वो इंश्योरेंस एजेंट आपको दे देता है, जिसके अंदर डिटेल सारी लिखी होती है, और आप भी फाइनल पॉलिसी आने का इंतजार नहीं करते हो, आप कवर नोट लेकर के निकल पड़ते हो कि ठीक है भाई मेरा तो इंश्योरेंस हो गया। लेकिन होता क्या दोस्तों, कंपनी जब चेक बाउंस हो जाता है ना कंपनी का, तो कंपनी क्या करेगी, वो इंश्योरेंस आपका रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसको पेमेंट तो हुई नहीं, चेक जो उस एजेंट ने कंपनी को दिया, किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी को, वो तो वैसी दिक्कत में था, वो जानबूझ के उसने उस तरीके का कोई ना कोई कमी छोड़ी, या तो बैलेंस नहीं छोड़ा अपना, या कुछ ना कुछ मिस्टेक करी चेक के अंदर, जो वो बाउंस होना ही था, और यही उसकी
मतलब सोच थी कि आपको नुकसान पहुंचाना है और पूरा का पूरा पैसा आपका खाना है, आपको कवर नोट मिल गया या आपको फर्जी पॉलिसी भी चलो बना करके दे दी, आप क्या सोचोगे यार पूरे साल के लिए मैं तो इंश्योर्ड हो गया, मेरी गाड़ी इंश्योर्ड हो चुकी है, आप मस्ती में चलोगे कि ठीक है यार मैं तो इंश्योरेंस पूरा ओके है, भरोसेमंद बंदे से करवाया। अब होगा क्या, जो इंश्योरेंस की थोड़ी सी कमीशन उस एजेंट को मिलनी थी वो पूरी की पूरी पैसा, पूरा पैसा 20,000-25,000 जो भी है वो पूरा उसकी जेब में चला गया, और अब आप बिना इंश्योरेंस के अपने आप को इंश्योरेंस वाला समझ रहे हो। कल को कोई अगर हादसा हो जाता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो होगा क्या दोस्तों, जब आप क्लेम लेने के लिए कंपनी के पास जाओगे ना कि भाई मेरी गाड़ी का, तो कंपनी आपको क्या कहेगी, भैया कवर नोट देख के कि ये इंश्योरेंस तो हमारे यहाँ से हुआ ही नहीं है, ये तो रिजेक्टेड है। आपको लगेगा बहुत बड़ा झटका, आप सीधे अपने एजेंट के पास जाओगे कि भाई ये क्या हुआ, मैंने तो इंश्योरेंस करवाया था। एजेंट क्या आपको कहेगा, एक कहानी बताएगा आपको, वो कहानी कुछ इस तरीके से सुनाएगा कि नहीं जी मैंने तो करवाया था ऐसा करके, मेरे साथ भी धोखा हो गया, वो अपने आप को भी ऐसा बताएगा कि मुझे भी ठग लिया है कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, लेकिन घाटे में कौन आ गया, मुख्य तरीके से घाटे में आप आ गए। तो ऐसे में करना क्या है दोस्तों, आपको अगर ऐसा कभी हो जाए आपके साथ तो आपको एक क्रिमिनल केस जो है फाइल करना चाहिए, आपको उस इंश्योरेंस एजेंट के अगेंस्ट, उसको छोड़े ना ऐसी चीज को, वो केस जरूर फाइल करें अगर ऐसा आपके साथ कभी हो जाए, भगवान न करे। तो बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको कैसे पहचानना है कि आपका इंश्योरेंस असली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एजेंट से करवाओ ना मत करवाओ, बिल्कुल करवाओ, एजेंट किस लिए होते हैं, करवाने के लिए होते हैं, ठीक है, हमें छोटी मोटी कमीशन वो तो कंपनी से उनको मिलनी है, हमें उससे कोई मतलब है नहीं, आप करवा लो। लेकिन आप चेक कैसे करोगे कि आपका इंश्योरेंस, और अभी भी आपकी गाड़ियों में जो जो आपका इंश्योरेंस है आप कैसे चेक करोगे, आप देखोगे कि जो ओरिजिनल पॉलिसी होती है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपकी वो डिटेल खुलेगी गूगल क्रोम में, या आपके उस इंश्योरेंस जो स्कैन कोड है उससे आपकी जानकारी खुल जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल आएगी कि आपका इंश्योरेंस सही है कि गलत है, पता लग जाएगा आपको। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, कस्टमर केयर नंबर, जो टोल फ्री नंबर होता है हर इंश्योरेंस कंपनी का, उस पर आप कॉल करें, उस पर आप कॉल करके आप बताएं कि मेरी गाड़ी नंबर ये है और मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी बता दें आप, वो आपको आपकी, अगर वो ओरिजिनल इंश्योरेंस है तो वो आपको आपकी पॉलिसी नंबर बता देंगे। वो पॉलिसी नंबर करना क्या है दोस्तों, आपको देख लेना है कि आपकी पॉलिसी पे वो नंबर है कि नहीं है, तो टेलीफोनिक तरीके से आप मतलब वेरीफाई कर सकते हो या आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो। तो और तीसरी चीज आपको महत्वपूर्ण एक बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, करना क्या है आपको, जब भी आप इंश्योरेंस बनवाते हो, ये एक ही बार वीडियो देख लोगे ना आपको दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, मैं सही बता रहा हूं आपको। आप क्या करोगे दोस्तों, जब भी आपको किसी एजेंट के थ्रू भी या किसी ब्रोकर के थ्रू भी आपको इंश्योरेंस जब बनवाना है, तो आप इंश्योरेंस एजेंट से अपने ये कहो कि भाई मैं तेरे को कैश में पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तेरे को चेक से पेमेंट करूंगा, और चेक भी आपको उस इंश्योरेंस एजेंट के नाम का नहीं काटना, उससे पूछना कि भाई कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस करवा के दे रहा है तू मेरे को, वो कहता है कि भाई मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस का करवा के दे रहा हूं या मैं रिलायंस का करवा के दे रहा हूं, तो आप उससे पूछो भाई चेक पे मुझे क्या भरना है, रिलायंस इंश्योरेंस लिमिटेड या न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, आप कंपनी के नाम का चेक बना करके देंगे, क्योंकि अगर वो चेक बाउंस होता है या कुछ भी होता है आपके पास एटलीस्ट प्रूफ है कि मैंने पेमेंट कहां करी है, किसमें, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, 100% आपके साथ वो फ्रॉड नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कंपनी के नाम पे चेक आप इशू कर रहे हो, आप कैश मत दो एजेंट को, आप कैश मत दो उसको, पेटीएम मत करो, सीधे कंपनी के नाम पे चेक काट के दो, ताकि आपके पास हर चीज का प्रूफ रहे। तो ये चीज है दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना, बड़ी यार वैल्यूएबल जिंदगी है, बड़ी यार महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आप भी बड़े जरूरी हो और आपकी गाड़ी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यार लाखों रुपए लगा करके, इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट, इतनी मोटी डाउन पेमेंट, अपनी जमा पूंजी लगा करके आपने गाड़ी ली है, उसको एक छोटी सी लापरवाही से आप तबाह मत होने दो, क्योंकि रिस्क, हम सड़क पे चलते हैं ना यार, ड्राइवर की जिंदगी ऑलवेज रिस्क में रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीजें समझ लें, और कंपनी का जब आप कॉल लगाएं टोल फ्री पे, तो आप वहां से पूछें कि मेरा क्या क्या कवर है इसके अंदर, तो आप ये देखें कि आपके एजेंट ने आपको क्या बताया था, क्या वो चीजें कवर है उसके अंदर, सारी चीजें जानकारी लें, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो देख करके शायद किसी भाई की मदद जरूर हो जाएगी, और अगर मदद हो जाती है और वीडियो पसंद आ जाती है आपको, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है, ताकि ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, कुछ ना कुछ सोच सोच के आपके लिए लाता रहूं, मुझे भी अच्छा लगता है इस चीज को करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी पसंद आई है तो सपोर्ट, साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।